यार बस 12 घंटों में हल्दी है और पिंटू गायब है, कोई इतना अनप्रोफेशनल कैसे हो सकता है? सिर्फ फूल लगाने बाकी हैं, उसमें इतना टाइम नहीं लगता है। मैं कह रही थी ना किसी प्रोफेशनल डेकोरेटर को हायर करते हैं। आए बड़े पिंटू को चांस दो, ही इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन राइट नाउ। नहीं नहीं बेटा, शादी तुम्हारी है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन तो तुम हो, कोई फूल वाला फूल कैसे हो सकता है? यार ये फोन भी नहीं उठा रहा, इसीलिए मैं कह रही थी मुंबई के घर पे ही हल्दी करते हैं। आपको ये अलीबाग का वेकेशन होम शो ऑफ करना था, अब ढूंढो डेकोरेटर यहीं पे। घर से निकलने से पहले हमने उससे बात की थी, वो आ जाएगा। अब तुम ऐसे करो, अपने रूम में जाओ और अनपैकिंग करो, हम मैनेज कर लेंगे। और आप भी ना अपनी टाइमिंग संभालिए जरा। तुझे पता है तेरे पापा शादी में स्टैंड अप कॉमेडी करना चाह रहे थे, मैंने ही उनको रोका। पता नहीं क्या भूत सवार है। सीरियसली पापा, अपनी बेटी की शादी पे सारे गेस्ट को भगा देते। हाँ ठीक है ठीक है, इनवाइट कर दिया मुझे, बहुत है। अनीता वो चेयर्स पे ना हम प्लास्टिक डाल देते हैं, नहीं तो धूल जमेगी उन पे। चलो चलो चलो। प्लास्टिक कहाँ रखा है पता भी है? यस पापा। किंतु ये पिंटू कहाँ गया? नंदिनी जी कैसी हैं आप? पहुंच गए आराम से? चलिए वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा मुंबई से जल्दी निकलिएगा, हाँ नहीं तो ट्रैफिक मिलता है अलीबाग आने में। जी अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी आपसे, ये हल्दी के दिन आप लोगों का कोई खास ट्रेडिशन या रिचुअल तो होता होगा ना? तो हल्दी नहीं होती, ऐसे कैसे? अच्छा हाँ, पर त्योहार में तो हर किसी का कोई खास स्पेशल डिश होता है ना, तो आप लोगों का भी होता होगा कुछ स्वीट्स में? अंतिना ओंडे, उंडे उंडे, अंतिना उंडे, डन। नंदिनी जी कल हल्दी में आपके लिए खास कन्नड़ का डिश अंतिना उंडे पेश किया जाएगा। अरे नहीं नहीं क्या तकलीफ किस बात की, बंगले के बगल में ही अभी हमारा है खास कन्नड़ी का मिठाई वाला, वो रात रात कर देगा। अरे लड़के वालों के लिए इतना नहीं किया तो धिक्कार है, नहीं। नहीं नहीं वो हिंदी फिल्म का डायलॉग है, आप नहीं समझेंगे। तो ठीक है फिर कल मिलते हैं जी। ओके हाँ जी, बाय बाय। तीना उंडे। हाँ जी राव स्वीट कॉर्नर। 2 महीने से दुकान बंद है भाई, इस नंबर पे फोन मत करो। अरे हेलो, हाँ जी राव स्वीट कॉर्नर। हाय सर, दिस इज ममता फ्रॉम राव कोचिंग क्लासेस, हाउ मे आई हेल्प यू? कोचिंग क्लासेस कब शुरू कर दी आप लोगों ने? एनीवे डू यू हैव एंटीला अंडे, अंतिना उंडे? नो सर, ये आईआईटी कोचिंग क्लासेस है। हाँ तो फिर आपको पता है कि कोई ये अंतिना उंडे बनाता है, या फिर आप बना लीजिए प्लीज। अरे आप बच्चों को ट्रेन करती हैं आईआईटी के लिए, तो इतना तो कर सकती हैं, आसानी होगा। हेलो ममता जी, हेलो makes me feel alright।
पिंटू यार तू इतना देर से कैसे आ सकता है? तुझे पता है अक्षु कितना गुस्सा हो रही है तेरे साथ? अरे वो दूसरा इतना लंबा चला था, मैं आपको क्या बताऊं, मैं अटक गया था वहां पे। अरे मैं ओवरनाइट करके खत्म कर दूंगा, लेकिन काम क्या हो गया उसमें? फोन क्यों नहीं उठाया? एक बार ही कॉल करके इन्फॉर्म कर देते ना, यू आर सो इररिस्पांसिबल। मैं मारूंगी नहीं, तो जान पहचान वाले हैं ना। अच्छा, एडवांस लेते टाइम ये जान पहचान कहां गई थी? हां क्या पिंटू, नया जॉब है? नहीं, स्टार्टअप है। नया स्टार्टअप? अच्छा, एक साल भी नहीं हुआ और अभी से ये एटीट्यूड झाड़ने लगा है? शाहरुख समझता है क्या अपने आप को? मैं अब भी करके देता हूँ ना, आप देखो बस। चलो एक आगे, चल, 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 चलो मेरे साथ आओ यार, बहुत काम है। हाँ भाई, मैं पीछे आ रहा हूँ। यार, I wish Nikhil was here. He's so good at handling these things. Please उसे कॉल करके बोलना फ्लाइट टाइम चेंज करने को। अरे उसकी मीटिंग तो आज शाम की ही है ना। ए बट लिसन, उसकी ना आज फाइनल मीटिंग है, उसके बाद ही सॉर्टेड। I promise you, वो एयरपोर्ट से यहीं आ रहा है, okay? Fine. I hope इसकी मीटिंग तो अच्छी जाए। Better be worth missing my हल्दी over. अक्षु, I'll sort it. अक्षु, अक्षु, ये देख। अरे, तेरे हाथ कितने soft हो गए हैं। Nice. याद है मैंने वो स्किन्जी लेजर ट्रीटमेंट शुरू की थी? हाँ। इसके सारे अपॉइंटमेंट्स हो गए सी। Oh, very nice. अच्छा, पार्लर से तो महंगा ही होगा ना? Is it worth it? No, actually it's quite reasonable. Okay. और मैंने तो EMI पे करवाया, तो it worked even better for me. Nice. तो बार बार पार्लर जाने की स्ट्रेस भी नहीं है तो। नंदनी जी से बात हो रही थी। तो वो कह रही थी कि कोई लड्डू टाइप का उनका एक स्वीट डिश होती है, वो अंतिना उंडे। त्योहार के दिन खाते हैं, चाहिए उनको। क्या? कल क्या? वो ऐसे कैसे पूछ सकती है इस टाइम पे? नहीं, वो ऐसे कोई डिमांड नहीं करेंगी, प्लस उन्हें इन चीजों से फर्क भी नहीं पड़ता यार। मैंने ऑफर किया उनको तो करे, कुछ तो करना चाहिए ना हमें उनके लिए। अक्षु, और वो हमारा राव स्वीट कॉर्नर जो है, अरे जहाँ से हम लोग खाते थे रेनोवेशन के टाइम, वो दुकान जो है वो बंद हो गई, इसलिए तो मुझे लगा देर रात तक खुला रहता है तो बना देगा, प्रॉब्लम ही नहीं है। और मैंने उनसे कहा कि लड़की वाले इतना नहीं करेंगे तो क्या फायदा फिर, लेकिन अरे कहीं ना कहीं से तो इंतजाम हो ही जाएगा ना। अक्षु, तू तो जानती होगी किसी को। सर, सो इरिस्पॉन्सिबल। आपको क्या जरूरत थी नंदिनी जी को फोन करने की? एक सेकंड, ये कौन सी दुकान इतने शॉर्ट नोटिस पे 50 गेस्ट के लिए मिठाई देने वाली है, वो भी अलीबाग में? आपको प्रॉमिस करने की क्या जरूरत थी? व्हाट वर यू थिंकिंग? अरे अक्षु छोड़ ना, यू नो आंटी वो इतनी छोटी चीज पे थोड़ी ऑफेंड होंगी, तो इनके प्रेशर में आके बोल दिया होगा। पापा प्लीज, हाँ एक हफ्ते की बात है, नो ड्रामा, नो स्टूपिड जोक्स, नो प्रॉमिसेस। देखिए, आप जाइए और कानपुर के गेस्ट की होटल रिजर्वेशन कंफर्म कराइए, जाइए। ओके। एक रुको, मैं भी आ रही हूँ, क्या पता पूरे कानपुर को इनवाइट किया होगा। बोल ले बेटा, बोल ले, तेरा टाइम चल रहा है, एक दिन मेरा भी टाइम। बाय। यू नो, मुझे लगता है ये अक्षु ना सबसे ज्यादा पापा को ही मिस करेगी। हाँ, वो हमेशा से डैडीज लिटिल गर्ल रही है, जस्ट लाइक यू। ए मामा, मुझे कभी डैडीज लिटिल गर्ल मत बुलाना। क्यों? इट जस्ट डजंट गो विद माय टफ गाय इमेज। ओहो, तो क्या बोलो, पापा की परी। एक्चुअली ना, अक्षु कैन हैव पापा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। Because you, Anita, are my girl. तुम्हारे पापा का बस चलता ना, तो वो तुम दोनों को एकदम बिगाड़ के रख देते। जब तुम लड़कियों का सवाल आता है ना, वो तो बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। That's how we know he's a good father. He is. Nikhil will also be a good father, but Anu, क्या? I don't know, Ma. I promise you, I've never seen Nikhil like this. You know, वो इतना sorted हो गया है कि मैं ही घबरा गई हूँ. Like उसे जाके तो mutual funds और बच्चे की college education तक workout कर लिया है और यहाँ
यहाँ मुझे तो डायपर बदलना भी नहीं आता है माँ। पेरेंटिंग ये कोई ट्रायल एंड एरर थोड़ी है। I just feel scared कि कल जाके मैंने कोई गलती कर दी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कौन झेलेगा, मेरा बच्चा ना। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अनीता तू हमेशा से ऐसी ही है। कैसी? परफेक्शनिस्ट। जब तक कोई भी चीज 100% परफेक्ट ना हो तू चैन से बैठ ही नहीं सकती। बेटा पेरेंटिंग इज नॉट लाइक दैट, इट इज ट्रायल एंड एरर। इसकी कोई मैनुअल या गाइडबुक नहीं होती, ऑन द जॉब सीखना पड़ता है। हमने भी वैसे ही सीखा, ढेर सारी गलतियां की हमने, बट लुक हाउ यू टर्न्ड आउट, परफेक्ट। एंड डोंट लाई, हाँ आई नो तूने ढेर सारे डायपर चेंजिंग वीडियोस देख लिए हैं। आई नो ऑफ कोर्स, कम ऑन माय स्वीट गर्ल। मैम हो गया? पर ये लाइट्स? अरे भाई लाइट क्या, मैं चालू करूंगा, जा जल्दी जाके लाइट देख क्या रहा है। व्हाट इज इट बिहेवियर? हां वाओ, वेल डन पिंटू। की पायल पे हुए दुल्हा जी घायल, दुल्हे की ये स्टाइल देख के दुल्हन दे स्माइल हाय। दुल्हन की पायल पे हुए दुल्हा जी घायल, दुल्हे की ये स्टाइल देख के दुल्हन दे स्माइल हाय। आओ जी आओ आज शगन मनाए, नाचेंगे दोनों दुल्हन ऐसे पास आए बन ही गई देखो बात। दो दिल जो मिलने को है, चाहतों के गुल खिलने को है। दो दिल जो मिलने को है, चाहतों के गुल खिलने को है। अरे दो दिल जो मिलने को है, चाहतों के गुल खिलने को है। Excited for the big day? Hey, कहाँ जा रही है अक्षु? तेरी तो शादी है। मालूम है, टच अप करना है मुझे, बस हल्दी के अच्छे फोटोज चाहिए ना मुझे तो। मम्मी की हेल्प चाहिए? चल। Hey, तुम ठीक हो? या वही अजीब सी फीलिंग आ रही है? Actually, I have a solution. You'll find out today. I'll see you around. और उसका वो रोबोट डांस, टू फनी। जरूर तूने ही सिखाया होगा उस बेचारे को। अच्छा, आपका दामाद ऑलरेडी बेचारा हो गया है? वैसे आई एम रियली एंजॉयिंग हाउ थिंग्स आर गोइंग। सॉरी मैंने इतना लेट बताया आपको, हमारी प्लानिंग ही इतनी जल्दी हो गई। हाँ पर ये तो तेरा स्टाइल है ना अक्षु। अब मैं समझ रही हूँ, जो मैं सोचती थी कि तेरा बचपना है, एक्चुअली तेरी मैच्योरिटी है। तू ना हमेशा अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करती है बिना डरे, ये बहुत अच्छी बात है। माय गॉड, आई कांट बिलीव माय एंग्री यंग गर्ल अब सुंदर सुशील बहू बन रही है। ईश पाम सुशील। यार ऐसे मैं आपको बहुत मिस करने वाली हूँ। सेम हियर। टू बी ऑनेस्ट आई एम क्वाइट स्केयर्ड
नंदिनी जी के साथ रहना है, डोंट नो। अरे बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर तुमको नहीं रहना उनके साथ। नो नो, मतलब रहना है, एंड यू नो सिड आल्सो कीप्स ट्रैवलिंग फॉर हिज प्रोजेक्ट्स, और आप लोगों की वजह से ना मुझे बस नॉइजी घरों से घरेलू वाइब्स आती है, क्या करूं मैं। ये लो, नॉर्मली इस टाइम पे ब्राइड्स अपनी फैमिली को लेकर रोती हैं और ये मुझे नॉइजी कह रही है। तो मैं ऐसा बचपना बस आपके साथ कर सकती हूँ ना, मेरी मदर इन लॉ थोड़ी इंटिमिडेटिंग है, आई डोंट नो, वो रियल अक्षता को जान के शॉक हो जाएगी। एनीवे अब तो वो फंस गई। माँ कम ऑन बेटा, यू गोइंग टू बी ग्रेट फ्रेंड्स, यू नो शी लाइक्स यू सो मच। Does she like me or this, you know, rosy image that Sid has created? क्या सोचेंगी यार वो? हाँ, पर तुम कोई एग्जाम थोड़ी ना दे रही हो और उनको अपने घर के लिए कोई टैलेंट शो भी ना थोड़ी ना चाहिए। I mean, she just wants a girl who really loves her son. And that's you, na? You just be yourself, Akshu. Because how can anyone not love you? हल्दी बिखेरे है रंग खुशी के, आए हैं पंजोनाए, चेहरे सुनहरे हुए हैं देखो, दिल में भी हलचल मचे, धीरे नजर दोनों और चले हैं, धीरे से आग लगे, जल्दी मिलन हो शुभ घड़ी है, अब ये ना दूरी रहे, दुल्हन की पायल पे हुए दुल्हा जी घायल है, दुल्हे की ये स्टाइल देख के दुल्हन दे स्माइल है, सज-धज के आराज खुल मिल जाए, मिलना है हाथों में हाथ, दुल्हन को देखो कैसे शर्माए, आने वाली है बारात, तो दिल जो मिलने को है, चाहतों के दिल खिलने को है, अरे तो दिल जो मिलने को है। लीजिए अंती ना उंडे, वेल डन मामा, नाइस, हाउ वाज इट, वेरी नाइस, आइए, थैंक यू, वेरी नाइस, वाह, सुनी, इधर सबको बांट देना, एक मिनट मैम, हाँ हाँ, प्लीज कैसे किया? मेरी ओरिगामी की स्टूडेंट है ना गायत्री, उसका होम किचन है तो उसने सुबह सुबह बनवा कर भिजवा दिया। इस टाइम तो आप बच गए मिस्टर शर्मा। ये खुर्शीद क्या मेरे पे क्या? अरे प्रकाश, हाँ पूछे कोई हाल जब से मेरी तू मैं तेरा, के तू चाहतों का या सफेरा, मिला खुशियों को दिल में बसेरा, दिन बदल बरसात के जैसे, तेरे ही नूर के आने से, होठों पे हंसी का लगा है डेरा, राहों से रुखसत अंधेरा, सज-धज के आराज खुल मिल जाए, मिलना है बन ही गई देखो बात, हाँ खुद जो मिलने को है, चाहतों के गुल खिलने को है, पर दो दिल जो मिलने को है, चाहतों के गुल खिलने को है। Guys, I've seemed to misplaced my wallet. Has anyone seen it? It's a black leather wallet. Babe, are you serious? This is the second time this month. Can you stop shouting, please? Can I'm you help me find? I'm not shouting. Okay. दामाद को खोने की आदत है। कल ऐसा ना हो कि मेरी बेटी भी खो दे। यार सिड का wallet. वो बार पे भी देखना। I think I was there.
क्या ब्लैक कलर का है ना? ब्लैक कलर या इट्स अ वेरी स्मॉल वन. सी यार क्या है. ओ सिड. Akshu, you are my breakfast, dinner and lunch. For you, 1,000 guys I will punch. In front of all these people, will you marry me? Oh my God, this is the worst and best thing I've ever heard. Why am I your breakfast, dinner and lunch? It rhymed. Pagli. जवाब तो दे. यस यस ऑफ कोर्स डन. ये फाइनली तेरे बोरिंग प्रपोजल वाले टॉन्ट्स तो खत्म होंगे अब. आई हैप्पी. आई लव यू. Speech. Hey, no, like, hey, guys, no, no speech, yeah. Hey, guys, I can't, no, Akshu, I can't do it. Sid, me also, Akshu. Guys, I, yeah. Ma? Sid. Oh. Oh, okay. Still recording. Thank you guys for coming. This day is truly, truly special for me. Thank you to the Sharmas for making us feel so welcome. मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसी फैमिली नहीं देखी जो हर बार एवरी सिंगल टाइम गोज द एक्स्ट्रा माइल फॉर ईच अदर. और अदर टू मेनी एक्स्ट्रा माइल्स. एक्चुअली दे इंस्पायर्ड मी टू बी लिटिल एक्स्ट्रा टुडे. सो ऑल दैट हैपेंड. बट अक्षु, आई लव यू. And I'm mad about you. And I can't wait to spend my life with you. Love you, babe. Okay. Now get a room, you guys. Oh, बहुत हो गया. वैसे अक्षय, I have to say, ये sugar bride वालों ने तो कमाल कर दिया यार. क्या रहा है? और वैसे मुझे भी काफी कुछ दिया है. Oh. Yeah. I really, really cannot believe. That my baby sister looks so beautiful. Right. Look at her. For a change. अभी भी शादी से uninvite हो सकती हूँ, तो just be careful. So सबने देख लिया है मुझे अभी, you know. Now they know. Take it. Let's make it. Okay. Akshu, speech. Come on. Oh yes. Huh? Yeah. Okay. Did you see the proposal? I did. It was so beautiful. ये कुछ ज़्यादा तारीफ़ नहीं कर रहा हमारी. धीरे-धीरे पता चलेगा कितने पागल हैं हम. जैसे तुम्हें पता चला ना. देखिए क्या हो गया. Are you okay? You know, Anita, proposal के वक्त I was not looking at Akshu or Sid. I was looking at माँ पापा. खुश थे यार वो. They're so happy, so proud. I want to feel that pride. I, you know, हमारी creation इतनी बड़ी हो गई. I can't wait to be a parent, यार. I think you might be skipping a few steps there, यार निखिल. तुम ऐसे कैसे हो? तुम्हें किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता? Don't you ever get scared? Are you mad? मेरी प्रॉपर वाली फटी हुई है यार. But I mean, why do you think I'm so crazy about this funding? Why do you think I'm missing such an important day of our life? यार देख अनु, ये फादरहुड मेरे कंट्रोल में तो नहीं है, राइट? बट अगर मैं ये भी अच्छे से नहीं करूंगा ना, तो मैं कभी भी अच्छा फादर नहीं बन पाऊंगा. एंड आई वांट टू बी अ गुड फादर. आई वांट टू बी अ गुड पेरेंट. यू नो, आई जस्ट मिस यू सो मच मैन. I miss you too. I can't believe we've both been going through this. Can I tell you a secret? For the first time in my life, na, meri bhi proper patti padi hai. But that's the most beautiful thing.
I mean, look at us. We are like a team. Right? If one messes up, the other will cover up. And Anu, if we both mess up, you know what? Phone guma ke dekh. Puri ki puri fauj khadi hai samne. Ye sab hamara saath kabhi nahi chhodne wale. We are all together in this. All right? All of us. वही तो डर है निखिल, I really miss you. I know. I'm sorry. I'm not there. But just carry on. All right. मेरी 3% battery. I have to cut the call. नहीं नहीं. But just hug. Nikhil. Akshu said from my side. माँ, पापा, everyone. Just have a good time. Okay. I'll speak to you soon. निखिल कितनी बार बोला यार? Flight से. Hello. Anita. Lastly, before everyone goes to eat, I would like to call my dad to say some final words. Come on, uncle! Hello, everybody! हाँ, मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत भूख लगी है. मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, चलेगा ना? बॉस, जब पहली बार मेरी बेटी ने मुझे सिड से मिलवाया था, तब मैंने सोचा कि इस क्यूट, स्वीट, डिसेंट, वेल मैनर्ड लड़के को मेरी लड़की में क्या पसंद आया भाई. आप लोगों को लगा कि ये बहुत एक इमोशनल स्पीच होने वाली, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये एक वार्निंग स्पीच है मेरे होने वाले दामाद सिद्ध के लिए. सिद्ध, अक्षु तुझे बहुत सारे रीजंस देने वाली झगड़ा करने के लिए, बहुत. पर नंबर वन रीजन होगा उसकी पंचुअलिटी. राइट? बचपन में इसका कैच फ्रेज हुआ करता था, प्लीज बस 5 मिनट और. 5 मिनट हमें कहीं भी जाना हो, प्लीज 5 और मिनट. और वो 5 मिनट कभी खत्म नहीं होते. आज वो पहली बार लाइफ में टाइम पे आई है. यू शुड फील लकी. थैंक यू. एक और बात सुन ले बेटा, ये जो खुद को इतना टफ और इंडिपेंडेंट दिखाती है ना, ऐसा है नहीं. 11 साल की उम्र तक ये अपने माँ बाप के बीच में सोया करती थी. 11 साल. और मैं सोचता था, भगवान तूने मुझे बेटी दी है या कॉन्ट्रासेप्टिव. खैर, अब मैं सुधा के साथ अकेले रहूंगा. और मेरा वो मतलब नहीं था. खुर्शीद लापड़ा, चुप. आपको पता है शादी को लेकर मैं सबसे ज्यादा टेंस था. कैसे मैनेज करूंगा सब कुछ, कैसे होगा? लेकिन मेरे बच्चों ने सारा काम कर दिया. और कल तक इस बात को लेकर मैं दुखी था, लेकिन आज मैं सोचता हूं कि क्यों भाई, क्या है प्रॉब्लम तेरा? देखो ना, मैं यहाँ फ्रीली आप लोगों से बकवास कर रहा हूँ और बच्चे वहां सोच रहे, पापा जल्दी करो, सांबर ठंडा हो रहा है, क्या मजेदार लाइफ है. जाने से पहले मैं बस एक बार अक्षु से सॉरी बोलना चाहूंगा. मैं जानता हूं कि हमने तुझे बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया है, अनीता से भी ज्यादा. हम लोग इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन अक्षु जब सिर्फ 2 या 3 दिन की थी, तब उसे बहुत हाई फीवर हो गया था और हम उसे देर रात बड़े हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तब गाड़ी में अक्षु, इतनी सी बेबी मेरी, मेरे यहां मुझे टाइट पकड़ के सो गई थी. वो दिन मेरे जिंदगी का बेस्ट और वर्स्ट दिन था.
क्योंकि तब मुझे समझ में आया कि उसे कुछ हो जाता तो मैं तो पूरी तरह से डूब जाता। शादी छोड़ बेटा, जब मैं तुझे स्कूल छोड़ने जाता था तब भी मेरा दिल टूटता था। और अब जब तू शादी करके जा रही है तब मेरे दिल में सिर्फ एक ही आवाज बार बार गूंज रही है, प्लीज 5 और मिनट। नंदिनी जी, मैं जानता हूं कि आप मेरी बच्ची को हमसे भी ज्यादा प्यार देंगी, इसीलिए आपको हमारी तरफ से नमन कुटुंबी स्वागत। बेटा लगे हाथ मैं तुझे भी एडवांस में सॉरी बोल ही देता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी जो फैमिली है ना वो पूरी की पूरी पागल है। तू टेंशन मत ले, मुझे पूरा भरोसा है कि जल्दी ये भी तुझे पूरा पागल कर देगी। डेफिनेटली। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। और प्लीज अब आप सब लोग खाना खा लीजिए क्योंकि सांभर वाकई ठंडा हो चुका है। प्लीज always be the funniest man in my life. तो मेरे 500 रुपए प्लीज। माँ, मम्मी जी प्लीज। आइए। दी सिट कम। देखो अब मत बोलो कॉन्ट्रासेप्टिव। एंड निखिल को वीडियो कॉल करो ना, स्क्रीन पे ही सही, नीड्स टू बी इन दिस प्लेस। हाँ, उसने हल्दी का फंक्शन तो मिस कर दिया, एटलीस्ट शादी पे तो आ रहा है ना कल। वो सुना रहा है यार। मैं उसे करने थोड़ी देर से सुना रही हूँ यार। जी विकास जी। हेलो अनीता, सॉरी मैं इस वक्त आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पर मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट अपडेट देनी थी। अनीता कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है, तो निखिल और आप अब बच्चे से मिल सकते हैं। हम मीटिंग जल्दी सेटअप करेंगे। दरअसल मैं निखिल का फोन भी ट्राई कर रहा था पर वो रीचेबल ही नहीं थे। बाकी सब हम कल डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। Once again, congratulations. guys, एक पिक्चर ले। ओ फोटो, 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 फोटो। बाहर। चलो कोई नहीं है। हाँ, come. अनीता, अनीता आ जाओ फोटो के लिए। कब कब? कुछ दिनों से निखिल और हमारा आने वाला ग्रैंडचाइल्ड नहीं है बस। Like me, you can do away with the whole waxing and parlor ka jhamela and get Skinsey's at-home laser services. And with their iSchool technology, you're sure to have a painless and comfortable experience. And they're super reasonable. And they offer EMIs if you like. So, check the link in the description. Start your journey.